फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ। आज 75 आज डे का 4 डे है और मेरी बहन सो रही है। चलिए उठिए फटाफट से और अपना काम करते हैं हम। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आज बारिश, सुबह सुबह से पूरा रात भर बारिश हुई है यहाँ पर। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश चली है। तो ये देखिए, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है। तो आज तो मैंने गर्म कपड़े पहन के रखे हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर। और मैंने किया गर्म गुनगुना पानी, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ गर्म पानी करके एक गिलास। तो ये देखिए, हम फटाफट से गर्म पानी पियेंगे। उसके बाद हमने की मॉर्निंग एक्सरसाइज। तरीके से मैं डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ। आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आपको एक सुबह सुबह एक एनर्जी फील होती है। जो आपका आलस होता है वो सारा खत्म हो जाता है और आप मतलब स्ट्रेचेबल हो जाती है आपकी बॉडी एक अच्छी। और आपका वेट लूज के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है, जो कि आपको डेली अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। जैसे हम खाना डेली खाते हैं, ऐसे उस तरीके से ही आपको ये एक्सरसाइज अपने डेली में वर्कआउट में ऐड कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। मस्ती करते हुए एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग में आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी, बढ़िया। तो ये देखिए, मैं एंजॉय करते हुए एक्सरसाइज अच्छे से कर रही हूँ, जंपिंग जैक से। ये देखिए, इस एक्सरसाइज से आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होता है और आपके वेट लूज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मस्ती करते हुए मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की अपनी। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने किया ब्रश। तो फटाफट से हम ब्रश कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा ब्रश हो रहा है। उसके बाद हम अपना फेस वॉश करेंगे। अब लग रहा है कि हाँ भाई, सुबह हो गई है। तो ये देखिए, अब फ्रेश फ्रेश लग रहा है, बढ़िया। तो फटाफट से चलते हैं और थोड़े से चने खाते हैं जो रखे थे मैंने भिगोकर। ये देखिए, फटाफट से चने खाए मैंने और अब मैं फटाफट रनिंग के लिए रेडी हो गई। ये देखिए, अब चलते हैं, देखते हैं बाहर का माहौल कैसा क्या है रनिंग के लिए। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं रनिंग के लिए, तो फटाफट से चलती हूँ और देखते हैं माहौल क्या है बाहर का। तो देखिए देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ फटाफट से और अब चलते हैं करते हैं। तो ये देखिए, मैं आज घर जब आई तो बहुत ही अच्छे मूड में आई, बढ़िया, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा था। तो मैंने फटाफट से घर की साफ़ सफाई की। घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही मुझे कुछ दूसरे काम में मन लगता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आती है साफ़ सफाई करने के बाद और फिर अच्छा भी लगता है घर का माहौल भी, तो अच्छी पॉजिटिविटी आती है, बढ़िया। तो मैं डेली साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ, उसके बाद ही मैं और चीज़ें करूँगी। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। ये भी एक एक्सरसाइज ही होती है। कई लोग क्या होता है, काम बारे लगा लेते हैं। एक अभी आंटी मुझसे पूछी थी, बेटा ज़रूरत तो नहीं है काम की? मैंने कहा, आंटी अगर इतना सा काम भी मैं नहीं कर पाऊँगी तो क्या मतलब, और फिर मैं जिम वर्कआउट इतना कर रही हूँ, क्या सेंस बनता है उस चीज़ का? तो आप लोग भी अपने घर का काम खुद ही करें। तो ये देखिए, सारा काम मेरा हो चुका है, फटाफट से हम करेंगे वर्कआउट, होम वर्कआउट। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो फटाफट चलते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्कआउट करने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैंने की भगवान जी की पूजा और थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब सुबह सुबह नहा लिया है तो फ्रेश फील हो रहा है। नहाने के बाद हम पूजा कर रहे हैं अब, और भगवान जी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि सब अच्छे से स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बढ़िया खुश रहें और अपनी चीज़ों में अपना अच्छे से काम करें। तो बस प्रार्थना मैंने मांगी और उसके बाद हम अपने काम में लग जाएंगे फटाफट से। तो ये देखिए, मैंने नहा लिया है और हम चलते हैं और अपनी स्टडी वगैरह जो कुछ भी करना है। लेकिन मुझे लग रही है जोरों की भूख, तो पहले मैं कुछ खाऊंगी। तो फटाफट से मैंने बनाया, ये देखिए, दलिया गर्मा गर्म, जो कि मैं रोज़ बनाती हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होता है, फटाफट से बन भी जाता है और टेस्टी भी होता है। फ्राई करके दलिया बनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अब मैं करूँगी स्टडी, बढ़िया। तो मेरी सारी बुक्स हैं जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी भी, और नॉन फिक्शन बुक, 4 लीटर पानी पीने का टारगेट जो कंप्लीट करना होता है बोतल में, मैंने गर्म पानी रख लिया, क्योंकि ठंडा पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता है, गुनगुना कर लिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। बहुत ही ठंडा मौसम था, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उठ चुकी हूँ। चलिए फटाफट से अपना काम करते हैं। तो ये देखिए, हम बढ़िया सुबह के 6:30 बजे उठ चुके हैं, फटाफट सर्दियाँ हैं। लेकिन ये देखिए, सबसे पहले मैंने किया एक गिलास गर्म पानी, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ। तो आज 75 हार्ट डे का 5 डे है, तो फटाफट से ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं जो भी करना है हमें। तो हमने सबसे पहले फ्रेश हुए, ब्रश किया एकदम बढ़िया एक्सरसाइज करने के बाद। और ये देखिए, अब अच्छा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, मॉर्निंग में ग्लो कर रहा है फेस, बढ़िया। उसके बाद हम होम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। कई लोगों ने मुझसे बोला कि आप फुल बॉडी वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज बताइए, तो आज ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये बस इतनी सी जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, वो डेली आपको करनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये आपके डबल चेन के लिए, नेक फैट के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट और सर, इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। बस इतनी एक्सरसाइज आप डेली कर लेंगे ना, तो आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी।
तो दोस्तों बस आपको इतना वर्कआउट आपको डेली करना है, आधा घंटा वर्कआउट करना है आपको, बिल्कुल आपको ये डेली रूटीन में अपना ऐड कर लेना अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, अपने बॉडी को अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा बढ़िया दिखना चाहते हैं, तो बस आप ये अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर लीजिए एक्सरसाइज। ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए, मैंने खुद ही एक्सरसाइज की है और इसी से मैंने अपना वेट लूज़ किया था, तो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो बस आपको आधा घंटा डेली इतनी एक्सरसाइज कर लेनी है और इनफ है ये, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो या ना करो मैटर नहीं करता, लेकिन आधा घंटा अगर आप ये एक्सरसाइज कर लोगे तो अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। तो दे देगी बिल्कुल पसीना आ चुका है एक्सरसाइज करते करते, इतनी सर्दी में भी मैं स्वेटर भी कुछ नहीं पहनूँ, तो बस इतना वर्कआउट करना है आपको। तो नहाने के बाद मैंने की पूजा, ये देखिए आज हमारे 75 हार्ट डे का 5 डे है, और भगवान जी से मैंने प्रार्थना की कि बस अपना साथ ऐसे ही यूं ही बनाए रखें और सब लोग खुश रहें स्वस्थ रहें। उसके बाद मैंने ये देखी कि अपनी स्टडी और अपनी नॉन फिक्शन बुक पढ़ी, गर्म पानी मैंने करके रख लिया है वो भी पिया मैंने फटाफट से, और उसके बाद मैं अपनी नॉन फिक्शन बुक करके और ये फटाफट से हम अपना आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं। तो हमारा 75 आज का डे और 5 कंप्लीट हो गया। सॉरी फॉर लेट हो गया, एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि कुछ काम में फंस गई थी, तो वीडियो पर रखी थी बनी बनाई लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी, तो ली आज की सेल्फी। थैंक यू।